मैं इस वक्त मौजूद हूँ बागमारा विधानसभा के कतरास में। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जोर लगा रहे और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बागमारा विधानसभा जो हमेशा चर्चित में रहा है और चर्चा का विषय बना रहा है बागमारा विधानसभा, तो आइए हम यहाँ के लोगों से जानने का यह प्रयास करेंगे कि इस बार जो बागमारा की जनता की प्रमुख समस्या क्या है और किन मुद्दों को लेकर बागमारा की जनता वोट करेगी। जैसा कि पहले यहाँ के जो बागमारा के विधायक थे ढुल्लू महतो, अब वो धनबाद के सांसद बन चुके, अब उनके जगह पे बीजेपी ने उनके भाई पर दाव लगाया है, तो इस पर बागमारा की जनता क्या कुछ सोचती है, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम सीधे यहाँ की जनता से जुड़ते और ये जानने का प्रयास करते हैं किन मुद्दों को लेकर बागमारा की जनता इस बार वोट करेगी सरकार आएगी। सरकार झारखंड में जो विकास का काम करेगा सरकार उसी का आएगा। तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट कीजिएगा, आपका मुद्दा क्या रहेगा इसमें? मेरा मुद्दा रहेगा, मेरा है हम बागमारा प्रखंड में रहते हैं, बागमारा का जो विकास करेगा उसी का होगा। तो अगले क्या 5 सालों में विकास हुआ है कि नहीं? 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। तो वोट किसको कीजिएगा? वोट करेंगे जो विकास के लिए आएंगे हम उसी को वोट करेंगे, हमारा खुद का प्रत्याशी है घर में, हम उसी को वोट करेंगे। नाम क्या हुआ? भुवनेश्वर महतो। किसकी सरकार आएगी? जैसे पूरा अभी चर्चा में शत्रुघ्न महतो का है और उनसे उम्मीद भी है कि इस बार जो जीतेंगे वो सारा जगह का जितना काम है वो करेंगे। इससे पहले जो विधायक थे अब वो सांसद बन चुके हैं, अब उनके भाई को टिकट दिया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पे देखिए उसका भाई भी बहुत अच्छा काम किया सब जगह में और इनसे भी वही उम्मीद है, ये भी आएंगे तो अच्छा ही काम करेंगे। तो झारखंड में क्या लगता है इस पर सरकार किसकी बनेगी? क्या सरकार जहाँ तक उम्मीद है कि बीजेपी का ही सरकार बनने वाला है। नाम क्या हुआ? नीरज पासवान। किन मुद्दों को लेकर वोट कीजिएगा? सुनिए सर, वोट तो देना कि आपका है, किसी को देंगे देंगे तो देंगे, एक ही को देंगे, दुखा तो नहीं एक ही को देंगे, समस्या देंगे। मुद्दा क्या वोट के समय आपका मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों को देख के वोट दीजिएगा? वोट दीजिए जो करेगा काम उसी को देंगे। तो जैसा कि आपका पहले यहाँ के जो विधायक थे अब वो सांसद बन गए, अब उनको भाई को ही टिकट दिया गया है, ठीक है बात को दिया, अगर हम काम नहीं हो तो कैसे आपको देंगे, आप काम करेंगे तो आपको देंगे, मतलब जो काम करेगा उसी को दीजिएगा। हाँ, आपके यहाँ के प्रमुख समस्या क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कीजिए? भाई भतीजा कोई सवाल नहीं है, यहाँ जनता के जो भी भलाई करेंगे जनता उसी पर जाएगी। आपको क्या लगता है कौन भलाई करेगा? ये तो हम भविष्य की जानी नहीं है कि। तो इनसे जो 5 सालों में जो काम हुआ क्या उन कामों से आप खुश है कि नहीं? काम नहीं कुछ हुआ तो खुश किया। तो जैसे कि पहले यहाँ का जो विधायक था वो सांसद बन गया, अब उनके ही परिवार को टिकट दिया गया है, तो इस पर आपका क्या सोचते थे, क्या उनके परिवार के जो ये काम करेंगे? वो तो सरकार समझेगी, चुनाव आयोग समझेगा, हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग गरीब किसान गरीब आदमी हम लोग क्या सोचेंगे। आप किन मुद्दों को लेकर वोट कीजिएगा? मेरा गांव में पानी जो लाइन पंप आया था सो पानी नहीं मिला अभी तक, वो समस्या बिजली का भी समस्या का भी बहुत है, तालाब भी हम लोग का गंदगी और साफ नहीं है, बहुत पानी की कमी नहीं है, और इसलिए जो जो काम करेगा उनको वोट देंगे। आपको क्या लगता है काम कौन करेगा? यदि शत्रुघ्न काम करेगा तो उसी को देंगे। तो आपके हिसाब से ये नहीं लग रहा कि पहले जो विधायक थे वो सांसद बन गया, उनके ही परिवार को टिकट दिया गया, आपका इसमें क्या राय है? टिकट ठीक है दिया गया तो अच्छा ही बात है, लेकिन विधायक तो हम लोग पर ध्यान दिया था, लेकिन कुछ ध्यान दिया कुछ ध्यान नहीं देके ऐसे ही अधूरा काम का छोड़ चला गया, मतलब कुछ काम किया और कुछ काम जो बाकी रह गया वो पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से अब अच्छा प्रत्याशी कौन होगा? शत्रुघ्न होगा, आप क्या जानते हैं। चलिए आपका आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम करमू महतो। करुण महतो? करमू महतो। करमू महतो जी। लाइन ना पानी ना सुविधा है तो हमने एक ही कर जो हमें पानी लाइन देता तकरा वोट दबो। तो इतना साल से जो 5 साल सरकार रहा क्या उसने काम नहीं किया क्या? नहीं, कहाँ काम कर रहा है। तो आपके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए? क्या बदलाव होना चाहिए या नहीं? बदलाव कैसे है? तो किनको वोट कीजिएगा? जो हमने सुविधा देते लाइन के पानी के तो ओकरे देते वोट। मतलब आपका वोट देने का जो मुद्दा रहेगा पानी बिजली जो काम करेगा उनको दीजिएगा। हाँ, उसको दिया। अब तो ये काम चुनाव के बाद होगा, चुनाव से पहले तो अब होगा नहीं, तो अब किसको वोट दीजिएगा? जो हमको सुविधा करेगा उसको ये वोट दीजिएगा। नाम क्या आपका? आशा देवी। आशा देवी, क्या मुद्दा क्या रहा, किन मुद्दों को लेकर वोट? मेरा मुद्दा रहेगा अगर ये तो कोलियरी बेल्ट है इसमें अगर कुछ सुरक्षा मिल जाए है ना और कुछ विकास हो जाए क्षेत्र का, यही मेरा मुद्दा है। क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए और इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नाम तो बहुत। नाम क्या? मीर कुमार सिंह।
किनकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो सर जो काम करेंगे उन्हीं का आना चाहिए, सीधी सी बात है। क्या लगता है तो कौन काम करेगा? सर ये तो फ्यूचर की बात है कि कौन करेगा नहीं करेगा, बट ये हम तो यही चाहेंगे कि जो भी सरकार आए सबसे पहले तो ये बिजली वाला आप देख लो, कैमरामैन सर आप दिखा सकते हो कि जो कवरिंग तार सारे क्षेत्र में आ चुकी है। हमारा कतरास विधानसभा क्षेत्र इतना पीछे है कि कवरिंग तार नहीं है कहीं पे भी, थोड़ा सा बारिश होती है कि लाइट कट। ये कतरास विधानसभा में, ये बगमारा विधानसभा में? बगमारा विधानसभा में है ना सर, तो हमारे विधानसभा में कहीं भी कवरिंग तार नहीं है। आपको क्या लगता है कौन काम करेगा, क्योंकि पिछले जब सरकार थी उन्होंने काम नहीं किया? सर किया, उन्होंने भी बहुत कोशिश किया करवाने की कोशिश किया। देखिए कोई भी लीडर आ जाए एक बार में तो होता नहीं है, सीधी सी बात है, कोई भी लीडर आ जाए। हमारे मोदी सर को ही देख लीजिए ना, सीधा सी बात है, दो दो बार आ चुके हैं, अभी भी बोले नौकरी देंगे, हर साल देंगे, आज तक तो दिया नहीं उन्होंने। झारखंड में कौन जीतेगा? झारखंड, झारखंड में तो सर मेरे हिसाब से तो इस बार बीजेपी ही आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि भाई आप हमको देख के वोट दीजिए।